अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आपका टॉपिक है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर्टिकल 6.6। इसमें फर्स्ट मेजर सोर्स इज फॉसिल फ्यूल। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। फॉसिल फ्यूल्स में आप पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या होता है, कोल होता है, ऑयल एंड गैस होता है, ठीक है। ये जो तीनों किस्म के फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपने हाउसेज को हीटअप करने के लिए और इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए भी ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं। दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन देखें, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स नाम से इशू हुए कि ये किसके कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन के और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। When they are burned, they combine with oxygen from the air. अब जैसे हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं, ठीक है, तो ये एयर में ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। The carbon becomes carbon dioxide, hydrogen becomes hydrogen oxide. तो कार्बन क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन क्या बन जाती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, कॉल्ड वाटर। वाइल एनर्जी इज रिलीज एज हीट, और हमारे पास एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इन दो ऊपर वाले सेंटेंसेस को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी होगी। इसी तरह हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी बनेंगे, ठीक है। द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, इनको बनते हुए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इनको फॉर्म होते हुए। दे आर नॉन एज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रेन्यू हो ही ना सकें, ठीक है। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट, हम इन फॉसिल फ्यूल्स के बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे टू मीट आर एनर्जी नीड्स, अब हमारे एनर्जी जरूरत को, एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन बाय दिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इफ़ वी कॉन्टिन्यू टू यूज़ दैम एट प्रेजेंट रेट, दे विल सून बी एग्जॉस्टिंग। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसी रेट पे, इसी फास्ट रेट पे इनको यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वंस देयर सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, दी वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो एक बार हमने, एक बार ये सप्लाई यानी हमें ये मिलना बंद हो गया, ठीक है, तो जो हमारी दुनिया है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी की कमी का शिकार हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस मतलब बहरान का शिकार हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल्स के बहरान का शिकार हो जाएगी हमारी दुनिया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखें, दिस फॉसिल फ्यूल्स वुड नॉट बी एबल टू मीट आर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। अब जो फॉसिल फ्यूल्स जब हमारे यानी कि प्रेजेंट में ही, हाल में ही ये बहुत ज़्यादा इनकी कमी हो रही, तो हमारे फ्यूचर नीड्स ये कैसे पूरी कर सकेंगे, नहीं पूरी कर सकेंगे, ठीक है। दिस वुड काज सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फॉर कंट्रीज लाइक अस। अब इनकी एनर्जी क्राइसिस की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स भी होंगे, माशरती प्रॉब्लम्स भी, और माशी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमारे कंट्रीज़ में होंगे, ठीक है। देयर फोर वी मस्ट यूज़ दैम वाइजली एंड एट द सेम टाइम डिवेलप न्यू एनर्जी सोर्सेज फॉर आर फ्यूचर सर्वाइवल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक इन फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह बहुत से एनर्जी सोर्सेज को क्रिएट करना चाहिए, नए नए एनर्जी सोर्सेज को डिवेलप करना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के बहुत से फ़ायदों के साथ इनके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, तो उसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, फिर इनकी वजह से कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है और बहुत से दूसरे हार्मफुल गैसेज भी रिलीज होती हैं, विच पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। अब ये क्या करते हैं, ये गैसेज हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। दिस काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन से आ गए हैं, यहाँ पे हेडेक, सर दर्द होता है, टेंशन होती है, नोज़िया होता है। अच्छा, नोज़िया यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की किस्म होती है क्या है, या मतली जिसे कहते हैं नोज़िया, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, इरीटेशन ऑफ आइज, नोज एंड थ्रॉट, गले में, नोज़ में और आइज में क्या हो जाती है, एलर्जी सी हो जाती है, खुजली होती है, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दिस हार्मफुल गैसेज में काज एस्थमा। अब अगर ये गैसेज बराबर मकदार में रिलीज होती रहें, यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती रहे इन फॉसिल फ्यूल से, तो एस्थमा हो सकता है, यानी ये एक डाइजेस रिस्पायरेशन की, जिसे दमा कहते हैं, वो एस्थमा हो सकता है, ठीक है।
इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस की वजह से लंग्स कैंसर भी हो सकता है, हार्ट डिजीजेज भी हो सकती हैं, इवन डैमेज टू ब्रेन नर्व एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, ये नर्व्स या हमारा कोई और ऑर्गन बॉडी का डैमेज हो सकता है इन कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरे हार्मफुल गैसेज के रिलीज होने की वजह से। तो यहाँ तक आज आपका टॉपिक था क्लास। तो इसमें आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखनी है। नंबर वन हेडिंग्स के साथ आपने हाइड्रोकार्बन की हेडिंग लिखनी है और ये डेफिनेशन जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपने अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जी हेल्थ प्रॉब्लम्स, नंबर टू हेडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, ये सारे आपने पॉइंट वाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखनी है और बाकी ये सारा आपने बुक से ही याद करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।